एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुविता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक चला है सी टेट एंड यूपी टेट 2021 का अधिगम। तो अधिगम बच्चों में किस तरीके से अधिगम होता है, यानी कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, और जब बच्चे सीखते हैं तो उनके स्वभाव में किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो कल हमने बात की थी थॉर्नडाइक की, और आज जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे वॉटसन एंड पैवलोव। देखिए क्या है, जो ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके इन्होंने जो उपयोग किए हैं, जो शोध किए हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते हैं किसी भी तरीके से घुमा फिरा के। सी टेट में तो वैसे ही काफी लंबे लंबे आते हैं, और टेट में जो है कि पूछ लेते हैं कि कौन से क्या राइटर ने किस पे प्रयोग किया था, किस पे नहीं किया था, है ना। तो आज हम बात करते हैं वॉटसन एवं पैवलोव की। तो सबसे पहले मैं इसमें दो स्टोरी आपको बताऊंगी कि इन्होंने किस किस पे प्रयोग किया था। तो प्रयोग की कहानी तो भाई अब जब आप लोग सुनेंगे तब आपको याद हो जाएगा, तो इसको एक स्टोरी की तरह याद कर लीजिएगा, ये याद रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉटसन की। वॉटसन ने क्या किया था, वॉटसन ने जो है प्रयोग जो है अपने खुद के पुत्र पे किया था, अपने खुद के बेटे पे किया था। उसका पुत्र जो था वो 11 साल का था और उसका नाम था अल्बर्ट। तो वॉटसन ने क्या किया कि अपने पुत्र को जो है खेलने के लिए एक खरगोश लाके दिया। अब खरगोश जब आया तो बच्चा जो है खरगोश के साथ खेलने लगा। खरगोश के जो बाल होते ना सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो वह उस पर हाथ फेरता था, उसके साथ खेलता था। वॉटसन ने क्या किया कि उसको कुछ दिनों तक उसके साथ खेलते है ना रहने दिया। फिर थोड़े दिन बाद उसने जैसे ही बच्चा जो है खरगोश के साथ खेलता था, तो वॉटसन ने क्या किया कि अजीब तरीके की डरावनी सी आवाज निकालनी शुरू कर दी। तो बच्चा जो है धीरे धीरे करके उस खरगोश से डरने लगा। उसको बच्चे को क्या है, बच्चे का जो है उद्दीपन क्या हो गया, फिर भय हो गया। उसको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं खरगोश में से ऐसी आवाज निकल रही है। तो उसका नतीजा क्या निकला, कुछ दिनों बाद बच्चा जो है खरगोश को देखते ही डर जाता था। तो वॉटसन ने ये नोट किया। फिर आगे चल के उसका नतीजा और ये निकला कि बच्चा खरगोश के अलावा और भी जो ऐसे जानवर थे जिनके ऊपर इस तरीके के बाल होते हैं, तो उनको देखकर भी वह डर जाता था। तो ये था भाई वॉटसन का। अब इनके सबके ये प्रयोग करने के नतीजे क्या हुए वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दूसरा हमारा था पावलोव का। पैवलोव ने क्या किया, पैवलोव ने जो है कुत्ते पे प्रयोग किया था। किस पे किया था, कुत्ते पे किया था, याद रख लेना, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कुत्ते पे किया था। अब उसने क्या किया, उसने एक कुत्ते को भूखा रखा, ठीक। भूखा रखने के बाद उसने उसको एक प्रयोग करने वाली टेबल के साथ बांध दिया। और उससे पहले क्या करा, पैवलोव ने उस कुत्ते की जो लार ग्रंथियां थी उनका ऑपरेशन कर दिया था, जिससे कि उसकी जो लार की बूंदे जो टपकेंगी वो पदक नली में लेकर वह उसका प्रयोग करता कि भाई कितनी मात्रा में उसकी लार की बूंदे टपकी। फिर उसने जो है उसको उस टेबल के साथ कुत्ते को भूखा कुत्ते को बांध दिया। और उसकी भोजन की व्यवस्था कैसे की, एक कृत्रिम उपकरणों के द्वारा उसकी भोजन की व्यवस्था की, जो खुद ही उसके सामने भोजन प्रकट हो जाता था मशीनों के द्वारा। फिर क्या हुआ, अब जब कुत्ते को भोजन दिया जाता था तो उससे पहले कुत्ते को भोजन दिया गया, कुत्ते ने खा लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में पावलोव ने जो है घंटी बजाना शुरू कर दिया। अब घंटी बजती थी फिर कुत्ते को खाना मिलता था। तो कुत्ते को जब खाना दिखता था तब कुत्ते की लार जो थी वो टपकने लगती थी, तो उसको पदक नली में लेकर वो जांच करता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब फिर घंटी बजती थी और फिर कुत्ते को भोजन मिलता था, इस तरीके का उपयोग हुआ। फिर आगे धीरे धीरे क्या हुआ, कुत्ते का पहले तो भोजन देकर लार टपकती थी, लेकिन कुछ समय बाद कुत्ते ने जो है उद्दीपन उसका क्या हो गया, कुत्ते ने क्या समझा कि जो घंटी जब बजती है तब खाना मिलता है। तो आगे चल के हुआ कि जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते की लार घंटी की सुनते ही टपकने लगती थी, ठीक है। तो फिर अब उसने उसका भी जो है पदक नली में उसको लेकर उसका टेस्ट किया। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें बताने का मतलब ये हुआ, ये जो प्रयोग दोनों हुए, तो मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि इन दोनों प्रयोग में जो है जो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अब अस्वाभाविक ये हुई कि देखिए, एक तो नॉर्मल चीज है कि अगर कोई डरावनी चीज है तो हम डर गए, या फिर बच्चा डर गया, है ना, या फिर खाना है
अच्छा कभी हमें भूख लगती है और कहीं से बहुत अच्छी सी सुगंध आ रही हो तो फिर क्या होता है, हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है ना, तो आ जाता है ना। तो ये चीज क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है ना। लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसे उद्दीपन होते हैं किसी को हम किसी चीज से जोड़ देते हैं, जैसे कि उसने क्या किया था वॉटसन ने जो था एक डरावनी आवाज को उस खरगोश से रिलेट कर दिया था, तो वो बच्चा उसको क्या समझ रहा था कि खरगोश से वो आवाज आ रही है ना, वो उससे डरने लगा, जबकि वो क्या था, वो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, वो स्वाभाविक नहीं थी। इसी तरीके से घंटी क्या हुई, घंटी जो थी वो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन कुत्ते को ये लगा कि भाई घंटी बजती है तभी भोजन मिलता है, तो उसका जो अस्वाभाविक रूप से उसका लार टपकना, जाने की घंटी की आवाज सुनते ही उसका अस्वाभाविक रूप से लार टपक जाती थी। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये रिजल्ट निकाला कि जो है हमारा बालक में विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति के विकास में ये सिद्धांत जो है बताया गया कि जब किसी प्रतिक्रिया का, जब हम कोई प्रतिक्रिया बार बार दोहराते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देता है जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अगर हम किसी चीज को बार बार दोहराएंगे, बार बार उसको करेंगे, तो जो अस्वाभाविक है वो भी स्वाभाविक की तरह ही प्रतिक्रिया देने लगेगा। अब इसके जो है ये दोनों प्रयोग जो है वो हमारे शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के जो शैक्षिक महत्व क्या है, इनको बताने का महत्व क्या है, इनका महत्व यह है कि या तो हम देखें बच्चे का स्वभाव का निर्माण कर सकते हैं इसके थ्रू, अगर हम छोटे बच्चे जो है उनके स्वभाव को किस तरीके से ढाल सकते हैं, किस तरीके से हम उनके स्वभाव को बदल सकते हैं, तो वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू अपने तरीके से, तो हम बच्चों में जो है भय है, प्रेम है एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है और कोई वो गलत काम कर रहा है या फिर किसी चीज से डरा हुआ है, तो वो हमारे अंदर है कि हम उस बच्चे को किस तरीके से ढाल दें, तो ये प्रयोग करके इस चीज को बताया गया था। दूसरा आपका होता है अभिवृद्धि का विकास, तो बालक में विशेष प्रकार की अभिवृद्धि के विकास में ये सिद्धांत शिक्षकों के लिए सहायता प्रदान करता है कि हम बच्चों के व्यवहार को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे या फिर कुछ ऐसा उद्दीपन प्रस्तुत करें जिससे कि हम बच्चों के स्वभाव को चेंज कर दें। दूसरा थर्ड आपका होता है मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार, तो इसमें ये सिद्धांत इसमें बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ है कि किसी भी बच्चे का अगर मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता है तो उसके उपचार के लिए सिद्धांत काफी हेल्पफुल रहा। तो आई थिंक ये पैवलोव और वाटसन का आप लोग परमानेंट आपको याद हो गया होगा ये स्टोरी, भूलोगे तो नहीं, क्योंकि भाई वाटसन ने अपने पुत्र पे किया था जो कि 11 माह का था, उसका नाम अल्बर्ट था, उसने लाके उसको खरगोश दिया था। पैवलोव ने क्या किया था, पैवलोव ने कुत्ते पे किया था और उसकी उसने कैसी प्रतिक्रिया करी थी, भोजन से और घंटी से करी थी, कृत्रिम रूप से और स्वाभाविक रूप से, ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया। और उसके शैक्षिक महत्व कितने हैं, 3 शैक्षिक महत्व है जो कि मैंने आपको बता दिए। अब कल हम बात करेंगे स्किनर का जो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई स्किनर, कल हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए था इतना ही, तो बस आज जो है इतना करा दिया है मैंने, तो वही क्या करना है आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसा लगा। बाय बाय।